मुगल रोड पर हाल ही में हुए भूस्खलन के मलबे का हटा दिया गया है, जबकि कुछ हिस्से पर जमा भारी बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। मुगल रोड के मानसर बोर्ड व इसके आसपास के इलाके से आज बर्फ हटाई जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक बर्फ हटाने का काम पूरा हो जाएगा और कल शनिवार से मुगल रोड पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि मुगल रोड पर यातायात बहाल करने में मौसम की भी अहम भूमिका रहेगी। चलिए, आकाश मलिक हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या स्थिति है अभी मुगल रोड की? जी, मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शाहरा आज 5 या 6 दिन से जो है बंद है और लोगों की एक मांग है कि हालांकि डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने इस बार जो है रोड बड़ी जल्दी खोली थी, लोगों का ये कहना है कि, लेकिन इस वक्त आज की डेट में आज जो है लैंडस्लाइड आने की वजह से या स्नोफॉल होने की वजह से बंद है, इसको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए, क्योंकि पीर पंजाल के काफी सारे लोग जो है मेडिकल फैसिलिटी के हवाले से जो है इस वक्त ज्यादातर श्रीनगर का रुख करते हैं, तो लोगों ने ये मांग की है कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए। जी, तो क्या लगता है आज शाम तक जिस तरह से कह रहे हैं कि बर्फ जो है वो हटाने का काम पूरा हो सकता है, तो क्या शाम ही यातायात को बहाल कर दिया जाएगा या और समय लगेगा? जी, इस हवाले से डिपार्टमेंट ने ये कहा है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने, कि आज शाम तक क्लीयरेंस कर देंगे, लेकिन मौसम पे डिपेंड है। अगर मौसम ठीक रहता है तो हो सकता है कल इस शाहरा को खोला जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश है कि इस शाहरा को अब बहाल रखा जाए, क्योंकि इलेक्शंस भी, पार्लियामेंट इलेक्शंस भी जिस तरीके से और जिस तरीके से डेट भी जो है आगे हो गई है, लेकिन इस वक्त लोगों की एक ही मांग है कि शाहरा को जल्द से जल्द खोला जाए। तो क्या लगता है कब तक इसको पूरा किया जाएगा और प्रशासन की तरफ से, खासतौर पर जब आपने चुनाव की बात की, तो चुनाव को लेकर पर्याप्त इंतजाम जो है वो रखे गए हैं? अब प्रशासन की तरफ से मशीनरी जो है पिछले बार से लेकर इस बार हैवी मशीनरी भी ज्यादा लगाई गई है, तो लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से, बोरो डिपार्टमेंट की तरफ से आज ये दावा किया गया है कि हो सकता है अगर इसी तरीके से मौसम साफ रहा, शाम तक इसको क्लियरेंस करके कल हो सकता है शाहरा को खोल जाए। बिल्कुल, क्या मौसम और खराब रहने की भी इस तरह के आसार हैं, क्योंकि वहां बर्फबारी भी हुई है, ताजा बर्फबारी भी हुई है? तो मौसम के हवाले से बताएं, आज मौसम में काफी बेहतरी है, अगर थोड़ी सी काम की रफ्तार तेजी से हो तो शाम तक इसको क्लियर करके तो सुबह इशारा को खोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश ये तमाम अपडेट के लिए। तो मुगल रोड को लेकर आकाश मलिक हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए थे, जिन्होंने अपडेट दी कि अगर वहां पर मौसम साथ देता है तो बहुत जल्दी इस रोड को खोल दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं, ऐसे में मौसम का साथ देना भी बेहद ज्यादा जरूरी है।